हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज कुछ नया आपको दिखाते हैं। उससे पहले चलिए पहले घर की शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कपड़े डाले हुए थे धोने के लिए, चादरें वगैरह। आज बच्चों को छुट्टी है और आप सभी को भी अक्षय तृतीया और ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक हो। तो वो मैं वही डाल रही थी और मिट्टू मेरी हेल्प कर रहा था। परिदेव गए हुए थे मार्केट। उल्टा बोला पापा, आपने उल्टा बोला। मिट्टू को मैं बैंगन का भरता पसंद है, मेरे को नहीं है पसंद। अच्छा चल, नहीं जिसको पसंद है, जिसको पसंद है वो भी खाएगा, जिसको नहीं पसंद है वो भी खाएगा। ठीक है, जिसको पसंद है वो तो खाता है, जिसको नहीं पसंद है उसको जबरदस्ती खाना पड़ता है। हाँ। बच्चे मन के सच्चे। तो आज बन रहा है बैंगन का भरता। गैस पे रख दिया उसको भूनने के लिए। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर छिलका बाहर का निकाल दिया धो करके। और यहाँ पर बन रहा है फिर तड़का। तो कढ़ाई में डाल दिया सरसों का ऑयल, प्याज बड़े लंबे लंबे काट के ये भी डाल दिए। और मुझे ना बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता खाने का। लेकिन भरता मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एक स्मोगी जैसे इफेक्ट आ जाता है ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। चाहे कितना भी सिंपल आप बनाइए फिर भी मुझे अच्छा लगता है। वहीं पर बैंगन की सब्जी चाहे से आप कितने अच्छे तरीके से बना लो, खूब मसाले डाल करके, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों, टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट ही लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए प्याज भुन गए, टमाटर भी साथ ही साथ आज ग्राइंड करके नहीं डाले थे, काट करके डाले। और उसके बाद फिर इसमें देखिए हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें ऐड कर ली। मसाले हमारे सेम ही रहते हैं क्योंकि किचन में हम इन्हीं मसालों का यूज़ करते हैं। अजवाइन, जीरा और सूखा धनिया। तो जीरा और सूखा धनिया हम कुछ एक जैसे दालों वगैरह में ही डालते हैं, बच्चों के दांत में आ जाता है ना तो वो पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे चबाने में बहुत मतलब अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। पर अब सबका देखना पड़ता है ना घर में, अब जो खुद को एक कोई पसंद है वही थोड़ी ना करना पड़ता। तो बैंगन जो भुने थे वो हमने बस कुंडी की हेल्प से थोड़े थोड़े से कूट लिए। मिक्सर जार में ना एकदम मतलब बिल्कुल पीस जैसे जाते हैं, मतलब एक पेस्ट जैसा बन जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, इस तरह से अच्छा लगता है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। धूप अच्छी खासी लगी हुई है, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे। तो आज मैं आपको अपने बाबा जी से मिलाता हूँ, जरा गपशप मारते हैं उनके साथ में बैठ के। ये है जरा बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है, जरा कुछ उपाय वगैरह बताओ, कुछ साला किस्मत, कुछ ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। आपकी तो सदा जय है, भक्तों की तो जय होती है। ये काफी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे शनिदेव के, ये देखो 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए आते आते। तो मैंने कहा यार आज जरा बाबा जी से गपशप ही मारिए, जरा कुछ बाबा जी बताओ कुछ, थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारी जय जयकार है। बाबा कहाँ जय जयकार है, आजकल पानी धंधा चल नहीं रहा है ढंग से। तुम्हारी ऊपर कृपा है, शनि भगवान की तुम्हारी ऊपर कृपा है। कुछ उपाय वगैरह बताओ जरा, कोई बात नहीं, कोई टाला टूला कुछ हो। कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा सब काम पूरे बने, पक्का होगा ना? बिल्कुल, जब आप हमारे कोई चीज से मना नहीं करते तो आपका काम क्यों रुकेगा फिर? अच्छा अच्छा हाँ, बनना चाहिए। थोड़ा काम ऊपर नीचे होता रहता है ना, अपनी लगेगी ब्रेक, बस वो थोड़ी सी ब्रेक लग रही है, कभी काम डाउन हो जाता है कभी ये थोड़ा कभी टेढ़ा, तो फिर देखते हैं। अब हम तो मेहनत करते रहते हैं, आगे मेहनत करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। और ठीक ठाक मौसम वगैरह, गर्मी गर्मी? गर्मी कोई नहीं है, बस बारिश बारिश ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। जरा मैं और बाबा जी, मैं सुबह बाबा जी बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे चाय पी रही थी, उन्होंने दूर से आवाज मार दी आ जाओ भक्त चाय पीने के लिए। मैंने कहा घर पे पीते हैं आराम से बैठ के। अभी ये हो गए हैं तैयार, आज हम जा रहे हैं थोड़ा घूम फिर के आते हैं। मेरा दुपट्टा था कहीं। कहाँ जा रहे हो? हम घूम फिर के आते हैं, जहाँ पर भी मिल जाए कोई। तो कम से कम कपड़े कपड़े तो उठा लो यार, ऐसे फेंक के चले हुए हैं। तैयार हुए हैं ये कपड़े, पता है किसके हैं ये? अच्छा अच्छा हमारे जनाब के हैं। अच्छा 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 मिट्टू उठा ले यार, पापा हमारे पापा की मुन्नी है ना। चलिए बाहर दिखाते हैं, परी तुम्हें कराता हूँ, ठहर जा। चलो और मौसम
काफी अच्छा हो गया है, ये देख सकते हो आप, थोड़ी हवा चली हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा सा है। क्या हुआ मिठे, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, ये है वो जनाब जिसका होमवर्क पूरा हो गया है। वेरी गुड। ये लिफाफे में क्या पकड़ा हुआ तूने? ओ ये खाजा मोजा, इसको बोलते हैं केले। अच्छा अच्छा, केले मिट्टू की कान के पीछे क्या है दिखा जरा। व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं, और वो जा रही है बस, वो देख सकते हो सामने। तो क्या हो गया, मेरे बच्चे को पाउडर लगानी, गैस को बंद कर दे वरना अंदर से। सुन गैस को बंद करके आ जा, मैं गैस बंद कर देता हूँ, ले पकड़ जे। आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं हम, तो एक्चुअली पतिदेव को अपना ऑफिशियल काम था थोड़ा सा, फिर मैं क्या, आज छुट्टी तो है, हम भी चल पड़ते हैं साथ में, थोड़ा आगे भी घूम फिर के निकल आएंगे। तो फिर यहाँ पे जी इनको लेना था फ़ोटो, एक बोल रहा है मैं, दूसरा बोल रहा है मैं, पतिदेव और मिट्टू ने एक जैसी शर्ट पहनी हुई है, तो ये भी आज मतलब मस्त लग रहे हैं। और शान भी कि अब मुझे मम्मा के साथ लेना है, पर मम्मा आज आप मेरे साथ मैचिंग नहीं हो, मतलब ऐसी वैसी बातें हमारी आपस में चली हुई थी, तो यहाँ पर बस फ़ोटो खींचा इधर, और बस अभी मैं लॉक कर रही थी घर को, सारा कुछ एक बार चेकआउट करके बस फिर हम निकल गए। एक्चुअली इधर वाली साइड को ही पतिदेव को काम था, तो पहले तो हमने जो भी इनका काम था वो करना था, वो निपटाना था, और उसके बाद फिर क्योंकि यही वाला रास्ता, मतलब ये तो नहीं है, ये शॉर्ट वाला है, जो हाईवे है वो दूसरा वाला है, मतलब ये दोनों जो रास्ते हैं ना, ये जाते हैं फिर मेरे मायके वाली साइड को। मैं क्या चलो होके आते हैं, और वैसे भी शादी वाला घर है, थोड़ी बहुत तैयारियाँ कुछ अगर हमारे करने लायक कामकाज होगा तो वो भी कराएंगे। वैसे भी आजकल ना गेहूं का काम चला हुआ है, और बारिश कभी कब जैसे स्टार्ट हो जाती है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। तो जिन्होंने गेहूं काट करके सुखाने के लिए डाले होते हैं ना खेत में, तो उनके लिए तो बड़ी आफत हो जाती है। और पहाड़ों में आपको तो पता ही है ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा नहीं होती, मतलब जो कटिंग और उसके लिए आते हैं ना, तो वो जैसे प्लेन एरिया में तो ईजिली हो जाता है, लेकिन पहाड़ों में फिर ढो करके ले जानी पड़ती है थ्रेशर के पास। तो देखो तुम्हारे को लेने के लिए मैं नंगे पाँव, नंगे पाँव भाई यार, एम साहब आ रहे हैं ड्यूटी के प्रति, रूप खदार रहना पड़ेगा आज के बंदों को। हाँ जी हाँ जी, तो हमने सोचा कि फोन नहीं उठाते हैं फिर। कौन ये देख लो, ये मैं इनको ऑफिशियली काम करता हूँ, ये स्टाफ के मेंबर है, स्टाफ के मेंबर है थोड़े। क्यों बोल रहे हो आप, एचडीएफसी में काम करते हैं हम? नहीं नहीं नहीं, फोन की जरूरत क्या है, फोन इन्होंने बिल्कुल रिचार्ज करना छोड़ दिया है, उठाना छोड़ दिया है। ओले 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 बुआ आई, भैया दीदी आई, शानू बड़ी, हेलो क्या हाल है, तो देखा सुनी है हेलो बड़ी क्या हाल है, ओ क्या हाल है प्रियंका, हैं ठीक ठाक है, वोट पक्का अब की बार तुझे दूंगा, टेंशन मत कर। फोन ही नहीं उठाते भाई, देखो इसीलिए हम इधर आ गए सीधे, पहले कॉल किया किसी ने रिस्पांस नहीं किया, मैंने कहा चलो छापा मार के आते हैं। अच्छा कि आपको मतलब इसका आंसर पता चल जाएगा, चलो कणक के खेत में चलो, बस वही चल रहे हैं हम। इसलिए मैं मम्मी ने बोला ना कि मतलब दो चार खेत बज के हैं, मतलब मम्मी को पहले फोन करना था, मैं तो सट करके आ गई, देखो मम्मी की हेल्प कराने, उल्टी में शादी वाला घर है। हम लोग बिल्कुल टाइम से ही पहुंचे, ये लोग बस खेत ही जा रहे थे, लंच किया होगा, और बाणी छोटी है तो एक आदमी तो खैर इसकी रखवाली के लिए ही चाहिए होता है। एक छोटा बच्चा ना सारे घर को बिजी कर देता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो ये लोग सब लग जाते हैं फिर बाणी के साथ ही गप्पे मारने। और यहाँ पर फिर अभी इनका भी चाय वाला टाइम भी हो रखा था,
तो प्रियंका लग गई चाय बनाने और मम्मी बोले कि खाना खा लो अभी लंच टाइम हो रहा है। तो हम बोले कि नहीं, पतिदेव ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अभी खा करके आए हैं। फिर मैं क्या बच्चों को खिला देती हूँ, मैं तो एक ही प्लेट में ले लिया, मैं क्या इनको भी मैं ही खिला दूँगी। और मम्मी मान नहीं रहे थे कि नहीं थोड़ा तो खा ही लो, फिर वो खाने के लिए लिया। और उसके बाद फिर हम चल पड़े अभी खेत की तरफ, क्योंकि बारिश वाला मौसम फिर से वैसा ही हो गया है अभी ना। मतलब दिन में अगर थोड़ा बहुत धूप लगती भी है तो कोई भरोसा नहीं होता कि कब जैसे बारिश आ जाए और हो भी जाए। तो अभी भी बिल्कुल बादल ऐसे छाए हुए थे, बिल्कुल आसमान काला ही नज़र आ रहा था। तो फिर मतलब चलो चलो जल्दी चलो, भी थोड़ा बहुत जो भी है ना खेतों में तो वो उठानी पड़ेगी कनक। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रियंका? नालागढ़ शहर ढोने, नालागढ़ शहर जा रहे हैं गेहूँ ढोने, गेहूँ ढुलेंगे और बारिश पड़ने ही वाली है। ये आगे जा रही है, वो तेरी ये आगे जा रही है, और नानी बेटा मम्मी उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ऐसा है, आज काम करते हैं, मतलब थोड़ा सा देखो काम करेंगे तो वजन में भी कम हो जाएगा। चांदू बोलती है मेरे को ऐसा नहीं होता, मैं तो रोज ही करती हूँ। अच्छा मेरा डब्ल्यू हो जा रहा है। क्या बोल रहे हो? मेरा तो डब्ल्यू हो जा रहा है। तो रोज करते हो पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ यार, इतना तो लंबे चौड़ा रास्ता डेली एक आधा चक्कर तो लग ही जान दूंगा। एक आधा कितना ट्रा लगी है आजकल का? हाँ तो फिर भी कोई फर्क फिर भी कोई फर्क नहीं है। पर आज मैं तो यही सोच के आई हूँ, दो चार चक्कर मारूंगी ना इस रास्ते के भी, साथ में मतलब कनक भी ढूलेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सच है, कुछ लोगों के शरीर ऐसे होते हैं ना, चाहे आप जितना वर्कआउट कर लो लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भी खाते हैं ना तो सारा उनके शरीर को लग जाता है। मतलब सूखी रोटी खाने से भी मोटे हो जाते हैं, और कुछ एक लोग चाहे जितना मर्जी आप खिला पिला लो लेकिन वो मोटे नहीं होते। और वर्कआउट की बात बताएं, मतलब खाली रास्ता देखिए आप कितना दूर है रोड साइड से, और वो देखिए नीचे मम्मी जा रहे हैं, हम लोग पीछे से। मतलब पूरे रास्ते का तो वीडियो नहीं बनाया लेकिन काफ़ी दूर है। ये क्या है? अच्छा, और अंदर बहन से देख ली, गोबर उठाएगी? नहीं मैं उठाऊंगी। उठा लेंगी, सीखना पड़ता है तो, सीखना पड़ता है बेटा। तेरी शादी ऐसे घर में करेंगे ना जहाँ पे तीन चार बहन से पाली। मैं भी अब गाय पालना शुरू कर दूंगी और काम करेगी शाम में। वो देख तो बोले, वो देख मम्मी भी तो कर रहे हैं, तब मिलता है बेटा शुद्ध देसी घी। ये भी गोड़ी है बेटा, ऊपर ये ऊपर पूछ रही है शानवी। और ये जो सामने है ये इसमें गोबर डालते हैं ना और केंचुआ वाली खाद बन जाती है, फिर केंचुए हैं इसके अंदर है ना, यही है नहीं हम केंचुआ वाला पारखा जो केंचुआ वाला ही नहीं। शानू बोल रही नानी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और सही भी है। देखो इतने दूर से आना, और दिन के देखो एक तो सुबह चक्कर लगेगा जब भैंस दुही जाती है सुबह मॉर्निंग में, फिर दिन में उनको पानी पिलाना, घास पिलाना, घास खिलाना सॉरी, फिर उसके बाद शाम के टाइम पे भी, फिर जो रात के टाइम पे भी भैंस को दूह के लेके जाते हैं। तो मतलब कितने चक्कर, छः चक्कर तो ऐसे ही हो गए है ना, तीन जाने के तीन आने के, ऊपर से फिर खेत का काम। तो मतलब बहुत मेहनत लगती है तब मिलता है शुद्ध देसी घी। तो करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? नमस्ते, हो ठीक है? हाँ ठीक है। ली अंधी कणक इसके शानवी के मुंडी के ऊपर भी रखो, ये कल मुझसे पूछ रही थी कि भला कणक कैसी होती है, ये देखो ऐसी होती है। और इसको इकट्ठा कर रहे हैं, देखो अभी लग जा फटाफट। तो ऐसी ऐसी है बातें। बाकी पहाड़ी लाइफ ना थोड़ी सी टिपिकल इसलिए हो जाती है क्योंकि हर जगह ना रोडों की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती है, चाह कर भी नहीं आ सकते क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया है। तो मतलब खेत खेत तक तो पॉसिबल ही नहीं होता, और जो ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए लेके जाते हैं ना तो वो भी हाथों से ही चलाने पड़ते हैं, फिर उनको भी एक खेत से दूसरे खेत तक पहुँचाना भी बहुत मुश्किल होता है।
तो ये चक्कर है थोड़ा सा। और बाकी खैर मेहनत तो हर जगह ही लगती है, चाहे से प्लेन है चाहे पहाड़ी है, और यहाँ पे भी लोगों ने अपने आप को उस तरह से हैबिचुअल बनाया होता है। और बस फिर मैं क्या, चलो फटाफट से अब मैं भी काम चालू करती हूँ, थोड़ा सा वज़न मेरा भी कम हो। और फिर कुछ यहाँ पे थी गेहूँ, फिर अभी खेत से लेकर के आनी है, तो जहाँ जहाँ भी है तो आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी आज के लिए वीडियो हो रहा है लंबा, तो वीडियो को करें यहीं पेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।